देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आज गुना के नए कलेक्टर ने दी आमद। आपको बता दें कि गुना कलेक्टर राजेश जैन का भोपाल तबादला हो गया है। उनके स्थान पर बी विजय दत्ता गुना के नए कलेक्टर होंगे। आज श्री दत्ता ने अपनी आमद गुना में दर्ज कराई। श्री दत्ता 2011 के आईएएस हैं। उनकी कलेक्टर के रूप में यह पहली पोस्टिंग है। आज उनका स्वागत करने के लिए गुना एसडीएम, नगरपालिका सीएमओ सर्किट हाउस पहुंचे। वहीं पर गुना के नए कलेक्टर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। लगता है यही है, शासन की सारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे और अंतर विभागीय समन्वय को बरकरार रख के हम आगे काम करते रहेंगे। आने वाले समय में चुनाव है तो उसके लिए पूरी तैयारी करें। अभी सर आप आए हैं, यहाँ पर एक बहुत रिसेंटली एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है पंडमंडला में, नीति आयोग में गुना में 7 मध्य प्रदेश के 7 जिलों को पिछड़ा दिया था उसमें, हाँ 8, उसमें आपको भी यहाँ पर बुलाया गया है, तो आपका पहला 1-to-1 मीट जो भी पीएम साहब के साथ में, तो उसके लिए क्या तैयारी रहेंगी? अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने प्रभार लिया है, हमारी पूरी टीम है, उसी की ब्रीफिंग चल रही थी और पहले वाले कलेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे और जितनी हमारे जिले के विकास कार्य हैं उनको जिस प्रगति से हम कर रहे हैं उसको हम रखेंगे मीटिंग में। अभी सर ऐसी हॉबीज में आप विशेषकर आप रुचि लें शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर शहर में एक विशाल चल समारोह निकाला गया। यह चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से निकला। इस चल समारोह का जगह जगह लोगों ने पुष्प बरसाकर स्वागत भी किया। गायत्री मंदिर पर अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में जोड़े पहुंचे। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर गुना में कई जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वास्तव में बार बार दान का मौका लाती है और चाहती है कि हमारा धन किसी शुभ कार्य में लग जाए, उस शुभ कार्य में एक यह लग रहा है तो वो डॉक्टर है तो हराम खोरी हजारों रुपए लूट लेगा और बगैर काम में लूट लेगा, उतने टेस्ट कराओ ये कराओ वो कराओ जो कि परसेंट है, इंजीनियर है तो वजन 100 मोल 12 मोल कपट छल छत्र न भावा, आपको पवित्र किया जा रहा है, आपके अभी हाथ गंदे हैं, मुंह गंदे हैं, आंखें गंदी हैं, आपका 100 रुपए की रसीद कटाने पर महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला उसकी आवते लगती है, गायत्री माँ को भोग लगता है, आपको सुबह 6 बजे फोन जाता है। ये है क्या प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी निजी कार्यक्रम में शामिल होने गुना पहुंची। यहां उनकी अगवानी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान शामिल हुई। उन्होंने बदौरा पहुंचकर जशोदाबेन का आत्मीय स्वागत भी किया। इस दौरान श्रीमती चौहान के साथ आए कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी चलाकर और गुना शहर में प्रथम आगमन पर फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके बाद श्रीमती जशोदाबेन जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास पर पहुंची। पारिवारिक चर्चाओं के बीच जशोदाबेन ने जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान की जमकर तारीफ भी की एवं महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए जशोदाबेन ने अर्चना चौहान को धन्यवाद भी दिया। इसी क्रम में आनंदी भी गुना स्थित सर्किट हाउस भी पहुंची, जहां उनका स्वागत करने के लिए भाजपा के कई कार्यकर्ता पहुंचे। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।